भौती थाना क्षेत्र के महुवा ग्राम रठनपुरवा पर गृह कलेश के कारण एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्वती कुशवा उम्र 30 साल, पत्नी पवन कुशवा उम्र 34 साल की पत्नी पार्वती ने अपने दो बच्चे नीतू उम्र 8 साल, सुधीर उम्र 5 साल के साथ बीती रात कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सूत्रों के अनुसार पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते पार्वती रात में अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई। उसके पति ने आस पड़ोस पर ढूंढने के बाद भौती थाने में सूचना दी। पुलिस ने छानबीन की तो सुबह कुएं में उन तीनों की लाश तैरती मिली। मृतकों का पीएम कराकर छानबीन जारी कर दी गई है। रिपोर्टर दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। ये हमारी बड़ी बहन थी। कहाँ पे आई थी? ये भौती महुआ पे रट्ठन पे। क्या घटना हुई थी इन्हों का? मतलब इनको मतलब पहले तो वो लापता होने का हमें पहले आधी जगह मतलब हमारे बड़े भैया को दी मतलब लापता होने की खबर, और हमें दी कि वो तो मर गई। उसके बाद हम जब हम आए तो मतलब थाने में पता चला, मतलब यहाँ पे आए तो उन्होंने बताया कि चप्पल वहीं पे डली हैं और मतलब मर गई है वो। तो कोई जानकारी मिली? जानकारी फिर हम मतलब गाँव के और सभी हमारे भाई मतलब चाचा वगैरह सभी घर के आए तो हमें पता चला कि हमने तब देखा तो कुएं में मतलब हमारी एक बच्ची आ गई थी। क्या घटनाक्रम हुआ इसे? इसमें यह है कि ये हमारे घर डरा कर धमकाता था कि पैसे लेकर आ मेरे लिए शराब और गांजा पीने के लिए। स्पष्ट है हर बार ऐसा ही करता था, केवल ये शराब मराब पी के मेरी बहन को वो मारता भी था और धमकी भरे कॉल भी करता था कि अगर हम मतलब कि पैसे नहीं आए तो मैं तुझे मारूंगा बहुत बुरा। कैसा? फिर इन्होंने फिर हमारे लिए कॉल भी किया कि हमारी जगह पे जहां हम मतलब कर रहे हैं हमारी जगह पे संबंध करो जहां हम बता रहे हैं। हमने वहां का लड़का देखा, लड़का के वाला वो नशा करता था इसलिए हमने वो वाला नहीं किया। काय का संबंध? संबंध अपनी छोटी बहन का। तो वो बोला कि यहां पर कर दो, हम वहां का देखने गए तो वो पूछताछ के जानकारी ली तो वो नशा करता था। अब नशा के अलावा हमने कह दी कि भाई, और वो गाड़ी भी मांग रहा था पल्सर, हमारे पास इतनी तो व्यवस्था है नहीं है, मजदूरी करते हैं। और उसके अलावा हमने मना कर दिया उससे। फिर हम यहाँ दूसरी जगह लड़का देखने गए तो वहाँ ये कल वो पहुँच गया, उसको गाली गलौज की और कहने लगा कि मैं उसको मारूँगा। और इसका एक और वो बुआ का लड़का है जो वो बोलता है कि मेरा भाई है वो बुआ का लड़का, वो ड्राइवरी करता है, डम्फर का ड्राइवरी करता है, खलक सिंह नाम है उसका। बोले मैं और उसी के दोस्त हैं, बोले मैं चाचा इसको ड्राइवरी करता है तो मैं इसको चाचा मरवा दूंगा, इसको जहाँ पे हम शादी कर रहे हैं छोटी बहन की। कभी लड़ाई विवाद हुआ ऐसा आपको कभी खबर मिली? जैसे कभी जैसे पहले तो हाँ होता था कि हाँ पूछो उनसे भी सगाई संबंध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमने की ठीक है भैया तुम इतने दिन से कह रहे हो तो हम देख आते हैं। उसके अलावा फिर हमने देखा तो हमें मतलब देखा लड़का तो ठीक था लेकिन उसमें वो नशा करता था। ऐसा थोड़ी कि हम एक लड़की के लिए नशा के चक्कर में हो गई, दूसरा थोड़ी ना हम ऐसा ख़राब करेंगे उसका जीवन। पति है, उम्र है 31 साल, 30 साल है और छोटी बच्ची का है 9 साल है, उसका नाम नीतू है और छोटा बच्चा है उसका नाम वो प्रवेश है, वो 7 साल का है। पति का नाम? पति का नाम पवन। आपको कैसे पता चला, कब पता चला? मैं तो छलियाँ खुलवा दी बिन्ने पार्वती ने और मौड़ी ने, मैं छीने लेके चलोगो बह मौड़ी ने 10 रुपये मांगे, मैंने मौड़ी को मोड़ा 10 रुपये दे, मैं चलोगा छीन लेके। फिर मैं समझा के आओ 6 बजे तो साहब मुँह घरे ना मिले, मैंने फिर मोड़ा फोन लगवाओ कि जी गए कहाँ हैं चार बजे थी दो बहू ना आती ना मोड़ा है तो उन्हें भी बाल बच्ची आ गई। यह घटनाक्रम कब का आएगा? जब घटना मैं 3 बजे तो मैं छीन ही ले रहा हूँ। लड़की के भाई बहनों ने आरोप लगाया, भाइयों ने मारपीट का और पैसे का, दहेज प्रथा का, क्या यह बात सत्य है? महाराज जो तुमने जाना सत्य नहीं। आप लोगों ने शादी के लिए प्रेशर बनाया था इनकी एक छोटी बहन को, यह बात कहाँ तक सत्य? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है।